हेलो सीताराम जी, श्री कृष्ण जय माता जी। ने आज हूँ मम्मी निस्वरा कथा में जाइए। ने आज लास्ट डे से कथा नो, ने आज लास्ट डे से स्कूल नो होलीडे नो, ती अमे आज जाइए। तो अमे हाफ वे पुगेगा ने जिरिक ट्रैफिक से पन बोनत ने स्वरा पसे बैठी। हाय स्वरा ने हेलो अमी पुगे जहो तन हूं वीडियो सालो करी पास। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंगलकारण योगी अति मुनि ध्यान लगाए, नारद शारद शीश बनाए। पागल पावे भोला पाद कभी मंगलाई, कापर हो तुम संभुसाई। ऋषिया जो कोई हो अधिकारी, पाद करे सो पावे नारी। पंडित त्रयोदशी को लावे, काल पूर्व को होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, कंधा नहीं करे धूप दीप नेवेद्य सुनावे। पुत्री जन्म का भी उत्सव मनाते हैं, बेटी जन्म का भी उत्सव मनाते हैं। याद करो पोरबंदर के पास हमने जो कथा गाए थे, राणा बड़वाड़ा जो अबोटी ब्राह्मण थे, किसी ने बोटा नहीं था, अबोटी लोटी लेकर भगवान शिव की पूजा करते थे, अबोटी ब्राह्मणों ने कथा की थी। हमारे श्रीनंदन कुरियर परिवार की ओर से दीपक भाई ने अपनी बेटी के जन्मदिन निमित्त इतनी भव्य कथा का आयोजन किया था, कथा हुई। अब वहाँ तो क्यों टेलीविजन रखते हैं, बड़े बड़े टेलीविजन रखते हैं, इसी समय दिखा देते हैं। हमारे जो कैमरामैन होते हैं ना, इसी समय वो दिखा देते हैं। इतना मटेरियल रखते हैं, जो कुछ बोलते हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि तो यहाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हारोपण लागे थे एक कैमरा हाँ नहीं, बहुत शांति लागे थे, यही शांति, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। तो विवाद करें तो
तेरी कहे को शिव को समर ले भवतार हर जाए भवसागर हर जाए तेरी कहे को शिव को समर ले कामकाज को छोड़कर कभी कभी तीर्थ में चले जाते हैं, तीर्थ में जाकर भगवान का भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बाकी की रही शेष आयु भी भगवान की भजन में देनी चाहिए। कहां तक आप इस संसार में पड़े रहोगे, कहां तक आपका बेटा, कहां तक आपकी बेटी, अंतिम तक मोह नहीं छोड़ता उनको। ऐसे बहुत मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, आश्रम में रहते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, जो रूख सूखा मरे खा लेते हैं, बाद में नजदीक से मिलते थे, इतना बड़ा कारोबार, इतने बड़े साहिबी, इतनी बड़ी पद पद भी उसने, लेकिन जीवन ऐसे बना लेते हैं। बस अब मानसिक शारीरिक परिवार से निवृत्त लेनी ही चाहिए, लेकिन हम तो अंतिम तक छोड़ते रहे हैं। आया तुम्हारे मरे तो मुझे टेंशन न छोड़े। इंग्लैंड में घना लोग तो दो लाइट लग दूगे गए, महीने महीने आठ आठ दिन से मजा करें लेवा मटे मोहन भाई, कितना मजा दुखी गए। जीवन को समझने का कोई तरीका नहीं। महादेव की पूजा के लिए स्तोत्र श्रेष्ठ है, शिव भक्तों को सुख देने वाला स्तोत्र है। उसके घर रुद्री पाठ बजता था, चमक दमक
निरंतर पढ़ता निरंतर पढ़ता था। तो उसने कहा ये निरंतर मेरे घर में चलता रहता है रिकॉर्ड में। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे सुनते सुनते उसको कंठस्थ करते, सुनते रहो कंठस्थ हो जाएगा। सभी आज भगवान शिव जी को याद किया है, महादेव आत्मी को दर्शन तुम ना आए प्रभु जी। महादेव जी आप मुझे दर्शन दीजिए। हमारा प्यारा पर्व कथा क्षेत्र में आए थे तब कोई व्यवस्था इतनी नहीं थी, सुनने वाले भी इतने सुंदर सुंदर चेहरे नहीं थे। अब तो फूल जैसे खिले हुए चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, 30 साल पहले मुरझे हुए चेहरे बैठे थे मेरे सामने। वृद्ध लोग वयोवृद्ध लोग आते थे कथा सुनने के लिए, युवा कोई नहीं। अरे युवा पुत्र वधु कहते थे कि मुझे कथा सुनने है, तो सास उसको डांटती है तो कथा सुनने देती है। कथा तो बुढ़े होने के बाद सुनना पड़ता है, तो कथा युवाओं के लिए थोड़ी कथा। अगर थोड़ी जिज्ञा हुई तो मेरे घणो लाभ, क्योंकि लोग वेला तो आवे, बाकी तो हाथ लग गया। जिज्ञा न हो अने कथा प्रेमी वक्ता पहला आवे ये साचो कथा प्रेमी वक्ता आवे ये पहला जो आदि के सांभवा ये साचो कथा प्रेमी का श्रवण प्रीति ही लालचा ये साचो कथा प्रेमी का। राम कथा मुनि बर्ज बखाने सुनी महेश परम सुख कथा सुनी मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। भगवान शंकर की कथा सुनकर कुंभद ऋषि को आशीर्वाद देकर चले गए, भक्ति का दान दिया और जा रहे थे। सामने राम जी लक्ष्मण जी मिले, सती के मन में संशय हुआ, कथा से आप सब परिचित हैं। सती वृक्षा करने के लिए गई, सती ने सीता का रूप लिया और शिव महाप्रभु ग्रंथ में सुंदर ये चरित्र है, राम जी और सती का सुंदर संवाद है। कितना सुंदर संवाद है, राम जी ने बहुत लंबी कथा सुनाई। पर एक बात कहूं ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता से पहले शिव गीता प्रकट हुई थी। शिव गीता में स्वयं शिव जी ने राम जी को गीता सुनाई थी। राम अवतार के अंदर राम जी जाड़ जाड़ पान पान में पूछकर दुखी हो रहे थे, निरस्त हो गए थे, निराशा से भर गए थे। तब शंकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए थे, तब भगवान शिव उठे थे। भगवान शंकर जी की अद्भुत महिमा है। बाबा ने महादेव ने अंत में तो विष्णु भगवान ने चक्र को आज्ञा की, सती के अंग के जहाँ जहाँ भी रहा शक्ति पुत्र का प्रागत्य हुआ और शिव जी ने तपस्या की। तो सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहाँ हुआ, नाम पार्वती रहा। नारद जी ने पार्वती के हृदय में शिव भक्ति को जगाई और पार्वती ने महादेव को मिलने के लिए बहुत बड़ा तप किया। शिव के ध्यानस्थ है, पार्वती तप कर रही है, बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ और ब्रह्मा जी पास थे, ब्रह्मा जी के पास से वरदान लिया कि शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मिला। शिव जो जगाने के लिए भगवान व्यास ने कहा वक्ता और श्रोताओं के जीवन में शांति की स्थापना करो, हम सबको शांति चाहिए, शांति दीजिए भगवान। अंतिम श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का आखिरी श्लोक है, तमे मारा छो हूँ तमारो छो अपने सो एक छे, अपने जो धर्म माटे अपने समाज माटे कहीं करवा। Oh, my God.